ये वीडियो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कार्यालय का है। वीडियो में कुछ लोग चिकन खा रहे हैं, कुछ बेड पर हंसी ठिठोले उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रतिष्ठित समाचार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना के कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार दोपहर को ढाका में कई प्रमुख स्थानों पर आग लगा दी, जिसमें धान मंडी 32 स्थित बंग बंधु भवन, जिसे बंग बंधु स्मारक संग्रहालय भी कहा जाता है, शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग बहुत तेज से धधक रही थी और प्रदर्शनकारी तरीके तरीके के नारे लगा रहे थे। वहीं एक अन्य घटना में आवामी लीग के ढाका जिला कार्यालय को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इसके अतिरिक्त धान मंडी के 3/A में आवामी लीग के अध्यक्ष के कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग लगाकर फूंक दिया और जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। सिर्फ यहीं तक नहीं यह मामला चला, यहां तक पहुंच गया कि प्रधानमंत्री ऑफिस में प्रदर्शनकारी घुस गए और वहां पर सामान की चोरी कर लूटपाट और फिर जबरदस्त तोड़ फोड़ कर खूब हंगामा काटा। बांग्लादेश में सेना के परिजनों को आरक्षण देने के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर उग्र हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन लोगों ने मना कर दिया और सड़कों पर फिर उतर आए। आरक्षण के इसी फैसले पर बवाल हुआ है। प्रधानमंत्री आवास की कई सारी वीडियो फुटेज आ रही हैं। बांग्लादेश पीएम आवास के अंदर के दो फुटेज सामने आए, जिनमें प्रदर्शनकारी चिकन खाते हुए देखे गए। AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सड़कों पर रविवार को भीषण झड़पें हुई, जिसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 300 के पार हो चुकी है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री शेख हसीना की रेजिग्नेशन का समाचार देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि देश संकट में है, मैंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है और देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया है। मैं आपकी जान माल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और वादा करता हूं आपकी मांगे पूरी कर जाएंगी। कृपया हमारा समर्थन करें और हिंसा बंद करें। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो हम उचित समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। हिंसा के जरिए हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। दूसरी ओर बात करें तो शेख हसीना फिलहाल दिल्ली की तरफ रवाना है। उनके लास्ट लोकेशन लखनऊ तक की मिली है। इसके बाद से लगातार ये सोचा जा रहा है कि अगर वो दिल्ली पहुंचती हैं तो क्या वो लंदन के लिए रवाना होंगी या फिर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ मदद की गुहार लगाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका बनने की राह पर चल चुका है। जब देश में ऐसे उत्पात शुरू हो जाते हैं तो उस देश का विकास असंभव ही माना जाता है। फिलहाल बांग्लादेश के साथ क्या होने वाला है, इसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाएं।